हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उपेंद्र प्रताप सिंह। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेफ होंगे और अपने घर में होंगे। COVID-19 की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम चली रही है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग घर में रहें, सेफ रहें, अपने फैमिली के साथ रहें, अपने फैमिली को समय दें। बायो फोर्टिफाइड क्रॉप क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ARI के, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के, जो कि पुणे में स्थापित है, उन्होंने बायो फोर्टिफाइड हाई प्रोटीन वीट वैरायटी को फाइंड करा है। उस वीट वैरायटी का नाम है MSES 4028। क्या नाम है वीट वैरायटी का? MSES 4028। ये वीट वैरायटी उन्होंने डेवलप करी है। इसका फ़ायदा क्या है MSES 4028 वैरायटी का? ये एक तरीके का सेमी ड्वार्फ वैरायटी है। कैसी है? थोड़ी बौनी है, बट थोड़ी कम बौनी है, ज़्यादा ना ज़्यादा लंबी है ना ज़्यादा छोटी है। वैरायटी थोड़ी ठीक सी है और इट हैज़ शोन द सुपीरियर एंड स्टेबल यील्डिंग एबिलिटी। इनकी जो क्वालिटी है वो कैसी सुपीरियर है, अच्छी क्वालिटी की ये फसल है। इट इज़ रेजिडेंट टू रस्ट, लीफ रस्ट, फोलियर एफाइड्स, जो काफ़ी बीमारियाँ लगती रहती हैं जो पेस्टिसाइड्स हम डालते हैं या पेस्ट को मारने के लिए हम यूज़ करते हैं। काफ़ी पेस्ट लग जाते हैं क्रॉप पे, जैसे कि स्टेम रस्ट हो गए, लीफ रस्ट हो गई, फोलियर एफिड्स हो गए। एफिड्स एक तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं, ओके, तो जो फसलों को ख़राब करते हैं, तो ये उनको रजिस्ट करती हैं, वो उनको लगने नहीं देती हैं। ऑल्सो इंक्लूडेड बाय द कृषि विज्ञान केंद्र प्रोग्राम। हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र प्रोग्राम है यूनिसेफ का, उन्होंने भी इसे इंक्लूड करा है, जो क्या रिड्यूस कर रहा है आपका माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब समझिए, माल न्यूट्रिशन मतलब कि आपके बॉडी में किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी अगर हो रही है तो उसको माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। हमारे बॉडी के लिए सारे न्यूट्रिशंस बहुत ज़रूरी हैं। तो दो तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, माइक्रो और मैक्रो, उसके बारे में हम जानेंगे। बायो फोर्टिफिकेशन होता क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। ये एक तरीके का ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू किसी भी फूड क्रॉप की हम इंक्रीज़ करते हैं। कैसे इंक्रीज करेंगे? वाइटामिन एंड मिनरल्स की डेंसिटी बढ़ा के। कैसे? इनका प्रोसेस होता है कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग कर लो, या फिर एग्रो प्रैक्टिस और बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, प्लांट ब्रीडिंग की मदद से, या एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस की मदद से हम विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेंसिटी बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू वो भी इंक्रीज गेन कर जाए। जैसे कि प्रोविटामिन ए है, कैरोटिनॉइड्स है, जिंक है, आयरन है, इनकी इनका अमाउंट हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये एक तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अब बायोफोर्टिफिकेशन ही क्यों, ये क्यों करना है, इससे रीज़न क्या है कि ये सॉल्व करेगा प्रॉब्लम किस चीज़ की? माइक्रो न्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन की। ह्यूमन बॉडी में अगर माल न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है, ज़्यादातर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो उसको सॉल्व करने में ये काम करेगा। बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, तो हर तरीके के लोग, चाहे वो पुअर हो, रिच हो, वो यूज़ कर सकते हैं ना। रूरल एरिया में जो कंज्यूमर्स होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं इसे आराम से, कोई कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये सबके लिए ही बहुत अच्छी चीज़ है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अब आप देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो थोड़े से अमाउंट में यूज़ करने पड़ते हैं, ओनली रिक्वायर स्मॉल अमाउंट, छोटे से अमाउंट में आपकी बॉडी में वो थोड़ा सा अमाउंट होगा, ट्रेसेस अमाउंट में होगा, और उसी से ही काम हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम हो गए, क्लोराइड हो गए, मैग्नीशियम हो गया, फोस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे एक क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो हमारे बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे कि बहुत सारे मिनरल्स हो गए, बहुत सारे वाइटामिन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ये काफ़ी अमाउंट में हमें चाहिए होता है, रेगुलर वर्क के लिए ज़रूरत रहती है इनकी। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आप समझ रहे हैं। जो बायोफोर्टिफिकेशन है, आप समझे कि बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब हमने समझाया है आपको। अब इसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन में और बायोफोर्टिफिकेशन में काफ़ी थोड़ा बहुत अंतर रहता है। अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्रॉप इसलिए बनाई जाती है कि वो रेजिस्ट कर सके किसी भी तरीके के पेस्टिसाइड्स को, हर्बिसाइड्स को, ओके, मतलब कीड़े ना लगें, इंसेक्ट ना लगें, इस तरीके से हम जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप को हम इम्प्रूव करते हैं या डेवलप करते हैं। तो मोस्ट GMO क्रॉप आर डेवलप्ड टू रेजिस्ट हर्बिसाइड दैट विल किल द वीड्स। तो जो GMO क्रॉप्स होती हैं, उनका फ़ायदा ये होता है कि वो पेस्टिसाइड्स हो या फिर हर्बिसाइड्स हो, हर्बिसाइड्स को बर्दाश्त कर लेती हैं, वो हर्बिसाइड्स का उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब क्रॉप ख़राब नहीं होती हर्बिसाइड से। हर्बिसाइड क्या करेगा, सिर्फ जो आसपास की खराब घास है, जो वीड है, उसे खराब, उसे डैमेज कर देगा, ना कि क्रॉप को डैमेज करेगा। ज़्यादातर पेस्ट टॉलरेंट होती हैं इनकी क्रॉप्स, तो ज़्यादातर जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो होता है वो पेस्ट कंट्रोल के लिए ही होता है, ओके। बट बायोफोर्टिफिकेशन में ये इस तरीके का प्रोसेस है, इसमें न्यूट्रिएंट का अमाउंट एनहांस कर दिया जा सकता है।
किसी भी तरीके से, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो चाहे कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रोसेस हो। तो आप समझ रहे हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन में वो सिर्फ क्या ध्यान रखेंगे, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स का कंट्रोल, बट बायोफोर्टिफिकेशन में क्या ध्यान रखेंगे, न्यूट्रिशन का इंक्रीज, न्यूट्रिशन को इंक्रीज करना या उसको एनहांस करना। तो ये डिफरेंस होता है बायोफोर्टिफिकेशन में और जेनेटिक मॉडिफिकेशन में। तो इतनी बात आप समझे, थैंक यू सो मच।